अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज डायबिटीज़ यानी कि शुगर और आम लफ्ज़ों में जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि पेशाब में चीनी की ज़्यादती। हमारे आम लोग जो होते हैं, जो घर में बैठी औरतें या मर्द आज़ाद है, वो कहते हैं कि हमें शुगर की ज़्यादती होगी, हम इनकी चीनी की ज़्यादती होगी है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें शुगर लेवल तो ज़्यादा होता है, पर बेसिकली हमारे अंदर किस चीज़ की कमी हो जाती है और हम लोग क्या चीज़ें इस्तेमाल करें तो हम इस जैसे मुझी मर्ज से ख़ुद को बचा सकते हैं। हाँ, शुगर का मर्ज इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि हम बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ना सही तरीके में इसका इलाज नहीं हो पाता, सही तरह से मरीज़ इसकी परहेज़ नहीं कर पा रहा होता, और जिन चीज़ों को छोड़ना चाहिए या जिन चीज़ों को खाना चाहिए मरीज़ को, वो सही पता नहीं हो रही थी। इन शॉर्टकट में आप ये कह रहे हैं कि सही गाइडलाइन, कोई एक ख़ास रूट हमें नहीं मिल रहा होता कि किस रूट पर हम जाएँ, किस तरह से हम अपनी काम करें, किस रोड पर हमने जाना है कि हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इस जैसे बाकी बीमारियों में इंसान बीमार हो जाता है, एक चीज़ उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, सेम इस पे भी ऐसा ही होता है। इसमें हो क्या रहा होता है कि आपके जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होते हैं, वो या तो काम नहीं कर रहे होते या वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इनके दो टाइप्स होती हैं। हम इसकी फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी को छोड़ के सिंपल इस बात पे आते हैं कि आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अब पेशेंट डेफिनेटली घर में होता है, वो अपनी पैथो तो देख नहीं सकता, उसकी बॉडी के अंदर क्या हो गया क्या नहीं हुआ। सिंपल आप लोग सिर्फ लैब रिपोर्ट्स पे ही यकीन करते हैं कि भाई लैब रिपोर्ट्स में शुगर इतनी ज़्यादा आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। शुगर के मरीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसले हो रहे होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत परेशान होता है, और यही कहता है कि भाई मेरे अंदर जितने मसले भी हैं वो सारे शुगर की वजह से हैं, ठीक है। अगर जैसे किसी पेशेंट को शुगर की वजह से रात के टाइम बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा होता है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में मेडिसन है एसिडफॉल्स 200 DH56, ठीक है, आप उसे यूज़ करवा सकते हैं, उससे उसके पेशाब में कमी हो सकती है। मैं एक बात फिर भी कहूंगी कि हमें मेडिसिन डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत मसला हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा वो मरीज़ जिनको शुगर की वजह से गैंग्रीन हो गई हो, तो उनके लिए एक अच्छी मेडिसिन जो है एर्सेनिक TH6 1000 बेहतरीन मेडिसिन है। वो लोग जो कि उसकी वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होते हों, वेट लॉस हो रहा हो, उनके लिए एसिटिक एसिड 37XCH5 बेस्ट मेडिसिन है। अभी के लिए इतनी मेडिसिन काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।